हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशॉप वाइवा क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेल्डिंग शॉप। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर रहे हैं वेल्डिंग शॉप से रिलेटेड इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में, जो कि आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वेल्डिंग शॉप से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपके वाइवा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपसे वेल्डिंग की यहाँ पर डेफिनेशन पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, आप बताएंगे वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप दो पीसेज ऑफ मटेरियल को ज्वाइन करते हैं। मानिए फर्स्ट पीस ये रहा और ये सेकंड पीस, ये फर्स्ट पीस है, ये आपका सेकंड पीस है। जब आप इन दोनों पीसेस को विद द हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर, हेल्प ऑफ हीट और प्रेशर की मदद से देखिए आप क्या करते हैं, इन दोनों मेटल को आपस में जोड़ते हैं। देखिए हीट की मदद से क्या होगा, ये दोनों मेटल यहाँ पर जहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट होने के कारण देखिए, जब आप इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो ये दोनों पीसेस आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। इसे ही आप वेल्डिंग कहते हैं, इसे ही आप वेल्डिंग कहते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रोड है या आपके यहाँ बेस मेटल, बेस मेटल यानी जिस पर आप वेल्डिंग कर रहे हैं, इस पर क्या करें आर्क प्रोड्यूस हो रही है। आर्क प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, ये मेटल आपका मेल्ट हो जाएगा और आप अपने दो पीसेस को मेटल को जोड़ सकते हैं, दो पीसेस ऑफ मेटल को आप आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इस विधि को आप वेल्डिंग कहते हैं, इस प्रोसेस को आप वेल्डिंग कहते हैं। वेल्डिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मेटल्स बाय मेल्टिंग टू एजेस ऑफ मटेरियल, यानी आप मेल्ट करते हैं दो एजेस को। और आपको पता है मेल्ट आप किसकी मदद से करेंगे, हीट की मदद से करेंगे। आप यहाँ पर प्रेशर का यूज़ भी कर सकते हैं और प्रेशर के बिना भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और आप मेटल को आसानी से जोड़ सकते हैं। उस विधि को आप क्या कहते हैं, वेल्डिंग कहते हैं। ये आप समझ गए हैं वेल्डिंग की सिंपल डेफिनेशन। अब यहाँ पर देखिए वेल्डिंग यहाँ पर कितने प्रकार की हो सकती है, देखिए। तो सबसे पहले देखिए ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या होती है। ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या होगी, देखिए तीन वेल्डिंग आपको जाननी जरूरी है, ऑटोजीनियस वेल्डिंग, होमोजीनियस वेल्डिंग, हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर मेटल, यानी आप सिमिलर मेटल को ज्वाइन कर रहे हैं बाय मेल्टिंग द एजेस टुगेदर, उनकी एजेस को मेल्ट करके सेम मेटल होनी चाहिए इस तरीके से। अगर आपका ये माइल्ड स्टील है तो ये भी आपका माइल्ड स्टील होना चाहिए। इन दोनों को आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं विदाउट द एडिशन ऑफ फिलर मेटल। यहाँ पर आप फिलर मेटल यूज़ नहीं करेंगे, केवल यहाँ पर आप इनको मेल्ट करेंगे और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आप कोई फिलर मेटल का यूज़ नहीं करेंगे विदाउट द एडिशन ऑफ फिलर मेटल, उसे आप ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं, उसे आप ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहेंगे। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आप दो सिमिलर मेटल को आपस में मेल्ट करेंगे और आपस में ज्वाइन कर देंगे, बस इसको ही आप ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहेंगे। इसके बाद आप देखिए होमोजीनियस वेल्डिंग, होमोजीनियस वेल्डिंग में भी सेम यहाँ पर यही प्रोसेस आपकी फॉलो होगी। दो सिमिलर मेटल को आप ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिलर रॉड, बस यहाँ पर एक चीज़ आएगी कि फिलर रॉड आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, यानी जो मेटल आपको यहाँ पर इनके बीच में फिल करना है वो फिलर रॉड का आप इस्तेमाल करेंगे ऑफ सेम मेटल। और वो भी कैसे मेटल की होनी चाहिए, सेम मेटल की। अगर आप माइल्ड स्टील को जोड़ रहे हैं आपस में, दो माइल्ड स्टील के पीसेस को जोड़ रहे हैं, तो जो फिलर रॉड है आपकी वो भी सेम मटेरियल की होनी चाहिए। तो आप समझ गए होमोजीनियस और ऑटोजीनियस में क्या डिफरेंस है। कई बार एग्जामिनर होमोजीनियस और ऑटोजीनियस में ही पूछ लेते हैं सवाल, कि आपको वहाँ पर बताना है कि होमोजीनियस में आप दो सिमिलर मेटल को ज्वाइन करते हैं, ऑटोजीनियस में भी आप दो सिमिलर मेटल को ज्वाइन करते हैं, पर होमोजीनियस में आप फिलर रॉड का इस्तेमाल करेंगे, बस ये डिफरेंस है। फिर आता है हेट्रोजीनियस, इसके नाम से ही आपको बता रहा है, टू डिसिमिलर मटेरियल, दो डिसिमिलर मटेरियल आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। यानी आप यहाँ से एक मानिए आप एक माइल्ड स्टील को ज्वाइन कर रहे हैं और आप यहाँ पर एक कोई दूसरा मटेरियल यहाँ पर ले सकते हैं, एनी वन मटेरियल, कोई भी दूसरा मटेरियल जो माइल्ड स्टील के अलावा यहाँ पर हो, कोई भी दूसरा मटेरियल आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों को जब आप आपस में जोड़ते हैं यूजिंग फिलर रॉड, यहाँ पर भी आप फिलर रॉड का इस्तेमाल करेंगे, तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहेंगे। तो आई होप आप समझ गए, ऑटोजीनियस वेल्डिंग में दो सिमिलर मेटल को जोड़ना है, होमोजीनियस वेल्डिंग में भी दो सिमिलर मेटल को जोड़ना है विद द यूज ऑफ फिलर रॉड, और हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में टू डिसिमिलर, यहाँ पर वर्ड से ही आप पता चल रहा है, डिसिमिलर मटेरियल को आप जोड़ेंगे। तो ये हो गया हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्लक्स क्या होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है फ्लक्स क्या होता है। देखिए फ्लक्स एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका आप उपयोग करते हैं ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, विच इज़ यूज टू रिमूव ऑक्साइड एंड अनडिजायरेबल सरफेस सब्सटेंसेज, यानी जो सरफेस पर कुछ सब्सटेंस रह जाते हैं, जो ऑक्साइड रह जाते हैं, उनको हटाने के लिए आप क्या करते हैं, फ्लक्स का यूज़ करते हैं। फ्लक्स की आप कोटिंग करते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर,
जिससे क्या हो, आपके अनडिजायरेबल जो आपके सरफेस पर जो कोई सब्सटेंस रह जाते हैं, ऑक्साइड रह जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए आप इलेक्ट्रोड पर ही क्या कर देंगे, फ्लक्स की कोटिंग कर देते हैं। तो फ्लक्स क्या करता है, ऑक्साइड और अनडिजायरेबल सरफेस सब्सटेंसेस को अलग करता है, इसे ही आप क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। अब कई बार एग्जाम में आपसे फ्लक्स पूछ लिया, कई बार पूछता है कॉमन फ्लक्स बताओ, तो आप बताएंगे बोराक्स। क्या बताएंगे आप, बोराक्स बताएंगे। इसको आप किस में यूज़ करते हैं, फेरस मटेरियल अगर जहाँ पर आप वेल्डिंग करते हैं यानी जिनमें लोहा प्रेजेंट होता है वहाँ पर आप बोराक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोराक्स जो है आपका एक कॉमन फ्लक्स है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं फ्लक्स आपने डिफाइन कर दिया, फिर आप उसके एग्जाम्पल दें बोराक्स। अब मैं आपको बताऊँ, माइल्ड स्टील में अगर आप माइल्ड स्टील को वेल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कोई फ्लक्स यूज़ नहीं करेंगे। देखिए माइल्ड स्टील में आप कोई फ्लक्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अगर आप माइल्ड स्टील को वेल्ड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कोई भी फ्लक्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम, फ्लक्स क्लियर हो गया, यानी एक ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्साइड को रिमूव करता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट यानी आपसे एक मोस्ट कॉमनली और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ जॉइंट यानी जॉइंट आपके कितने प्रकार के होते हैं। वेल्डेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है वेल्डेड जॉइंट। तो देखिए सबसे पहले मोस्ट कॉमन जॉइंट जो आपका होता है वो होता है लैब जॉइंट, ये आपने वेल्डिंग शॉप में बनाया भी होगा। देखिए ये आपका कौन सा है, लैब जॉइंट, जहाँ पर आपकी दो प्लेट आपस में ओवरलैप कर रही हैं, जहाँ पर आपकी दो प्लेटें आपस में क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, इसको आप क्या बोलते हैं, लैब जॉइंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, लैब जॉइंट बोलते हैं, बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पर दूसरा होता है बट जॉइंट, बट जॉइंट को आप हिंदी में टक्कर जोड़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दो एजेस को इस प्रकार से आप जोड़ते हैं। द जॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग द प्लेट एज टू एज, यानी प्लेटों को एज टू एज जोड़ने से आपका जो जॉइंट यहाँ पर बनता है इसको आप क्या कहते हैं, बट जॉइंट कहते हैं। इसी तरीके से आपका कॉर्नर जॉइंट है, इसी प्रकार आप देखिए कॉर्नर जॉइंट है, कॉर्नर जॉइंट में क्या होता है, आप अपनी सरफेस को, देखिए दो सर्फेसिस हैं मेटल के, इन दोनों को आप 90 डिग्री पर क्या करें, दोनों को 90 डिग्री पर आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एज यहाँ पर इनकी 90 डिग्री पर होती है, दोनों की जो प्लेटों की सरफेस होती है वो 90 डिग्री पर होती है, इसे आप कॉर्नर जॉइंट कहते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पर टी जॉइंट, इस तरीके से अगर आप टी फॉर्मेशन कर रहे हैं 90 डिग्री पर तो टी जॉइंट हो गया आपका। एज जॉइंट, एज जॉइंट में क्या होते हैं, दो पैरेलल प्लेट्स को आप जॉइन करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपकी दो पैरेलल प्लेट हैं, आपने यहाँ पर इनको जॉइंट कर दिया, तो ये आपका एज जॉइंट हो गया। ये पांच तरीके के जॉइंट हैं, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, फाइव टाइप के वेल्डेड जॉइंट हैं, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखने हैं। वेल्डेड जॉइंट में बट जॉइंट, लैब जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, टी जॉइंट और एज जॉइंट, ये पांच जॉइंट जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्या क्या होते हैं, कैसे ये फॉर्म होते हैं। कई बार एग्जामिनर ये पूछ देता है बट जॉइंट कैसे फॉर्म होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि इनकी प्लेट्स जो होती हैं इनकी एज टू एज जोड़नी पड़ती है, लैब जॉइंट में ओवरलैप करना पड़ता है, कॉर्नर जॉइंट में 90 डिग्री इनकी सर्फेसिस को हम प्लेस करते हैं, टी जॉइंट में टी शेप होती है, एज जॉइंट में आप पैरेलल प्लेट को जोड़ते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया वेल्डेड जॉइंट के बारे में। अब यहाँ पर मेन बात आई इलेक्ट्रोड की, क्योंकि इलेक्ट्रोड से ही, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड आपका एक फिलर मेटल की तरह यूज़ होता है, इलेक्ट्रोड आपके क्या होता है, एक फिलर मेटल की तरह आप यूज़ करते हैं वेल्डिंग में। तो देखिए वेल्डिंग इलेक्ट्रोड देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और दूसरा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, स्क्रीन पर या आपने वेल्डिंग शॉप में देखे भी होंगे। तो ये क्या होता है, एक रॉड होती है, एक ये रॉड की तरह होती है जिससे आप क्या करते हैं, हीट इनपुट करते हैं। ये आपके रॉड या वायर की तरह होती है जो क्या करती है, इसको आप इलेक्ट्रोड होल्डर में लगाते हैं और इसके कारण क्या होती है, हीट इनपुट होती है, हीट इनपुट होगी, इट कैरी करंट फॉर वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग के लिए जो करंट आपका, आप चाहे जिस सोर्स से भी ले रहे हैं, एसी जनरेटर से ले रहे हैं, एसी से ले रहे हैं, डीसी से सोर्स से ले रहे हैं, तो जो करंट सबसे पहले आएगा वो आपके इलेक्ट्रोड में, यानी करंट को कैरी करता है कौन, इलेक्ट्रोड आपका, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक एंड जो होता है, इसका वन एंड मैं आपको बता दूं, इसका एक एंड आपका इलेक्ट्रोड होल्डर में रहेगा, इलेक्ट्रोड होल्डर में रहेगा, और दूसरा जो एंड है, जो अदर एंड है, सेकंड एंड है, वो आपका कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर आपको आर्क प्रोड्यूस करनी है, यानी इसका ये वाला एंड आपका इलेक्ट्रोड होल्डर में रहता है और जो आगे वाली टिप है वो जहाँ पर आपको आर्क प्रोड्यूस करनी है वहाँ पर रहेगा। तो आप समझ गए इलेक्ट्रोड होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यानी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, यानी एक बार जिन्होंने हीट प्रोड्यूस की और फिर वो कंज्यूम होते गए, फिर वो इलेक्ट्रोड क्या हो गए, मेल्ट हो गए
और बीच में सॉलिडिफाई हो गए। जैसे ये दो मेटल आप यहाँ पर लीजिए, यहाँ पर आप किसी इलेक्ट्रोड से यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसका मेटल यहाँ पर पिघल पिघल के कलेक्ट होता जा रहा है, तो इसे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो कि कंज्यूम ना हो हीट इनपुट के दौरान, मतलब जो कंज्यूम ना हो केवल हीट दे, उसको आप नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। पर कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जैसे आप आर्क वेल्डिंग में देखते हैं, इस तरीके के इलेक्ट्रोड आप यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं, फ्लक्स कवर्ड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जिसका आप आर्क वेल्डिंग में उपयोग करते हैं। कंज्यूमेबल में भी दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, बेयर इलेक्ट्रोड और फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड। बेयर इलेक्ट्रोड में आपकी फ्लक्स की कोटिंग नहीं होती, बल्कि फ्लक्स कवर्ड, यानी फ्लक्स मैंने अभी आपको बताया था जो कि ऑक्साइड को अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को अलग करता है मेटल से, तो उसको आप फ्लक्स कहते हैं। जैसे इसमें भी आप देख सकते हैं फ्लक्स की कोटिंग हो रखी है इलेक्ट्रोड पर, तो ये जो आपका एग्जांपल है ये फ्लक्स कवर्ड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है। और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की आप बात करें, कंज्यूमेबल तो आप समझ गए, यानी जो कंज्यूम हो जाते हैं, हीट देते हैं, मेल्ट हो जाते हैं बीच में, उसे आप कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। फिर नॉन कंज्यूमेबल में आप यूज़ करते हैं टंगस्टन का और कार्बन का इलेक्ट्रोड आप यूज़ करते हैं। टंगस्टन का टिग वेल्डिंग में, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में आप यूज़ करते हैं, तो ये नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हो गए जिसका आप उपयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, नॉन कंज्यूमेबल और कंज्यूमेबल। कई बार आपसे नॉन कंज्यूमेबल का एग्जांपल पूछ लेते हैं, तो आपको बताना है टंगस्टन, और टंगस्टन कौन सी वेल्डिंग में आपका यूज़ होता है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में आप इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इलेक्ट्रोड आपका क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर देखिए वेल्डिंग टेक्निक हैं दो तरीके से आपकी क्या है वेल्डिंग की यहाँ पर टेक्निक हैं। तो देखिए पहली जो टेक्निक है वो है आपकी फोर हैंड वेल्डिंग। कैसी है? फोर हैंड वेल्डिंग। और दूसरी है आपकी बैक हैंड वेल्डिंग। ये दोनों वेल्डिंग की टेक्निक हैं, ये दोनों टेक्निक ऑफ वेल्डिंग है, यानी आप किस तरीके से वेल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एक टॉर्च है, वेल्डिंग टॉर्च है, ये आपका बेस प्लेट है, और ये आपकी फिलर रॉड है। ये आपकी क्या है? फिलर रॉड, यानी जो मेटल आपको यहाँ पर लगाना है, फिलर रॉड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी फॉरवर्ड हैंड वेल्डिंग है, इसको आप लेफ्ट हैंड वेल्डिंग, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं, और इसको आप राइट वर्ड वेल्डिंग भी बोलते हैं बैक हैंड को। तो कॉमन डिफरेंस ये है कि जो आपकी फोर हैंड वेल्डिंग है, इसमें देखिए जो आपका इलेक्ट्रोड वायर है, यानी जो आपका ये इलेक्ट्रोड है और जो आपकी आर्क है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। जो आपकी आर्क है और आपका ये फिलर रॉड है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आपके ट्रेवल कर रहे हैं। मूवमेंट ऑफ फिलर वायर और मूवमेंट ऑफ वेल्डिंग टॉर्च जो है एक ही डायरेक्शन में है, बल्कि यहाँ पर आप देखिए इसकी डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन ऑफ वेल्ड प्रोग्रेशन आप देख सकते हैं बैक हैंड वेल्डिंग में। ये आपकी बैक हैंड वेल्डिंग है। बैक हैंड वेल्डिंग में आप देखिए कि जो आपकी फिलर रॉड और जो आपकी टॉर्च है, इनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। जो वायर होता है उसको फीड किया जाता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ आर्क ट्रेवल, यानी इसमें इनकी जो डायरेक्शन होती है, देखिए इसमें सेम डायरेक्शन है, फिलर रॉड भी आपका इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, टॉर्च भी इसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। पर यहाँ पर बैक हैंड वेल्डिंग में जो टेक्निक है, इसमें आपकी फिलर रॉड देखिए इस प्रकार से आपकी ट्रैवल करेगी, और इस तरीके से अपोजिट आपस में ट्रैवल करेंगे। बस ये कॉमन डिफरेंस है। फोर हैंड वेल्डिंग में आपकी आर्क और जो फिलर रॉड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, और आपकी बैक हैंड वेल्डिंग टेक्निक में आपकी जो दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर वो डिफरेंस, यानी टॉर्च और फिलर रॉड डिफरेंट डायरेक्शन में, आपके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं वेल्डिंग के कुछ फॉर्म ऑफ वेल्ड है, यानी कितने प्रकार से आप यहाँ पर वेल्ड कर सकते हैं। तो कई बार आपसे फिलेट का सिंबल पूछ सकता है एग्जामिनर, तो इस तरीके से आप फिलेट वेल्ड बना सकते हैं। स्क्वायर बट जॉइंट आपने पढ़ा है, जब आप दो जॉइंट को एच टू एच जोड़ते हैं, तो इस तरीके से आपका स्क्वायर बट बना। इसका सिंबल भी आपको ध्यान रखना है, वी बट, वी सिंबल होगा, डबल वी बट, दोनों साइड वी बट बनेगा, सिंगल यू तो सिंगल साइड यू, डबल यू दोनों साइड यू। तो ये आपकी क्या है? ये आपके फॉर्म ऑफ वेल्ड हैं, इनके सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंबल हैं। ये आपने पढ़ रखे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी, और ये आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर पूछ सकते हैं ये भी आपसे। फिर आप देखिए सिंगल बेवल बट, डबल बेवल बट, सिंगल जे बट। इसमें आपके मेन देखिए क्या है, मेन है आपके स्पॉट और सीम, मेन है आपके स्पॉट और सीम। देखिए स्पॉट का कई बार आपसे सिंबल बनवा लेते हैं, तो इस तरीके से स्पॉट का आप एक सिंबल बनाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर सीम का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से
आप इतने सारे क्रॉस एक साथ बनाते हैं, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पॉट और सीम। और एक ये बीड जो होती है, जो आप पैरेलल इस तरीके से जो आप एज जॉइंट में बनवाते हैं, ये आपकी बीड का सिंबल हो गया ये। तो ये सिंबल भी देखिए आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखने हैं। तो ये हो गया आपके वेल्डिंग रिप्रेजेंटेशन में सिंबल्स, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया वही आपको याद रखने हैं। फिलेट हो गया, बीड हो गई, स्पॉट और सीम हो गए। अब देखिए वेल्डिंग प्रोसेस को जब हम यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं, तो मेनली देखिए जो क्लासीफिकेशन है वो दो तरीके से होता है, एक फ्यूज़न वेल्डिंग, एक यहाँ पर आपका प्लास्टिक वेल्डिंग। फ्यूज़न वेल्डिंग देखिए नॉन प्रेशर वेल्डिंग होती है, कैसी, इसमें आप प्रेशर का उपयोग नहीं करेंगे बल्कि ये आपकी प्रेशर वेल्डिंग होती है। देखिए फ्यूज़न वेल्डिंग में आपको समझा देता हूँ, फ्यूज़न वेल्डिंग में आप क्या करते हैं, देखिए आप दोनों मेटल को हीट करते हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट तक उनको मेल्ट करते हैं, फिर आपस में ज्वाइन कर देते हैं, वो आपका फ्यूज़न वेल्डिंग हुई। प्लास्टिक वेल्डिंग में क्या होता है, आप दो मेटल को हीट करते हैं अप टू प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक स्टेट तक आप हीट करेंगे, यानी मेल्टिंग स्टेट तक नहीं, केवल प्लास्टिक, तभी इसका नाम प्लास्टिक है। प्लास्टिक स्टेट तक आप यहाँ पर हीट करेंगे मेटल को और आपस में इनको विद द हेल्प ऑफ प्रेशर आपस में जोड़ देंगे। इनके एग्जांपल आप देख सकते हैं, फ्यूज़न वेल्डिंग यानी जिसमें आप केवल हीट का उपयोग करते हैं, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, ये तीन ही आपको देखिए एग्जामिनर अधिकतर पूछेगा, और इसमें से भी अधिक गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग आपसे पूछी जाएगी। और प्लास्टिक वेल्डिंग में आपसे पूछी जाती है फ्रिक्शन वेल्डिंग, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं बल्कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग आपसे पूछी जाती है, और रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर भी दो, स्पॉट और सीम वेल्डिंग आपसे पूछी जाती है। तो इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फ्यूज़न वेल्डिंग और प्लास्टिक वेल्डिंग में। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं आर्क वेल्डिंग क्या होती है। तो देखिए आर्क वेल्डिंग क्या होती है, आपकी एक वेल्डिंग प्रोसेस होती है जिसमें आप इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस हीट, यानी हीट का प्रोड्यूस आप किससे करेंगे, आर्क से। यहाँ पर देखिए आप आर्क प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पर वेल्डिंग जो आपकी मशीन है यहाँ से आपने इलेक्ट्रिसिटी ली इलेक्ट्रोड होल्डर में, देखिए आपका एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर कैरी किया हुआ है, और यहाँ पर देखिए आपके दो मेटल, ये वन है ये टू है, इस तरीके से आपके क्या हो रहे हैं, ये दोनों वेल्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप एक इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ करेंगे हीट को जनरेट करने के लिए, इसलिए इसका नाम आर्क वेल्डिंग है, बस आपको इतना समझना है। इसे कंपोनेंट अब आप देखिए क्या क्या कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ होते हैं आर्क वेल्डिंग में, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ये एसी भी हो सकता है डीसी भी, इलेक्ट्रोड हो गए, इलेक्ट्रोड होल्डर हो गए, वर्क पीस क्लैंप हो गए, प्रोटेक्टिव शील्ड, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आप प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, ग्लव्स पहनकर, प्रोटेक्टिव शील्ड लगाकर, वायर ब्रश, वायर ब्रश से क्या होते हैं जो आपकी वेल्डिंग करने के बाद जो स्पैटर्स आपकी सरफेस पर फैल जाते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हटाने के लिए आप वायर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। चिपिंग हैमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप जो है वेल्डिंग में कौन सा हैमर यूज़ करते हैं, तो उसका उपयोग, उसका नाम है आपका चिपिंग हैमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट करें, चिपिंग हैमर इसका उपयोग आप करेंगे। तो ये एसी जो आर्क वेल्डिंग है आपकी, एसी डीसी, उसमें आपके वेल्डिंग इक्विपमेंट है। कई बार आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सी वेल्डिंग की है, तो स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर आर्क वेल्डिंग की होती है, तो उसके इक्विपमेंट्स बोल देते हैं कि आपने कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए हैं, तो ये आपके 7 कंपोनेंट्स हैं, इनको आप बता सकते हैं ईजिली। फिर देखिए गैस वेल्डिंग, देखिए गैस वेल्डिंग में आप क्या होते हैं, ये देखिए दो आपके गैस के सिलेंडर होते हैं, एक आपका होता है ऑक्सीजन का सिलेंडर जो ब्लैक होता है, और जो आपका एसिटिलीन का होता है देखिए वो थोड़ा बैंगनी कलर का होता है, आप इसको पर्पल यहाँ पर थोड़ा आप रंग बोल सकते हैं, पर्पल यहाँ पर थोड़ा पर्पल रंग का होता है जो आपका, ये एसिटिलीन का सिलेंडर होता है पर्पल, और ऑक्सीजन का सिलेंडर ब्लैक रंग का होता है। कई बार एग्जामिनर जो होता है आपसे कलर पूछ लेते हैं सिलेंडर के, तो आपको बताना है जो ब्लैक सिलेंडर है वो ऑक्सीजन का है, और जो आपका यहाँ पर रेड सिलेंडर है वो आपका किसका है, एसिटिलीन का है, यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आप समझ गए हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या होता है, आपकी एक वेल्डिंग टॉर्च होती है, इस वेल्डिंग टॉर्च से क्या होते हैं आपकी ये दोनों ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो गैसेस होती हैं वो करेक्ट प्रपोर्शन में बाहर आती हैं, और इनका देखिए यहाँ पर ये क्या होती हैं, फ्यूल गैसेस देखिए बर्न होती हैं, फ्यूल गैसेज यहाँ पर बर्न होंगी और यहाँ पर आपकी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, आपका मेटल यहाँ पर मेल्ट हो जाता है, आपस में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपका क्या होता है गैस वेल्डिंग होती है, जिसमें आप हीट प्रोड्यूस करते हैं बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल गैसेस। कई बार आपसे एसिटिलीन जो होती है आपकी, एसिटिलीन जो आपकी होगी इससे आपसे पूछ लेंगे इसका फार्मूला, तो C2H2 एसिटिलीन का फार्मूला होता है, इसका सिलेंडर आपका पर्पल होगा, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पर देखिए तीन तरीके की फ्लेम जनरेट होती हैं गैस वेल्डिंग में, एक होती है न्यूट्रल फ्लेम, एक होती है कार्बोराइजिंग फ्लेम, और एक होती है आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यहाँ पर यूज़ होती है। तो आप यहाँ पर देखिए जो न्यूट्रल फ्लेम होती है इसमें ऑक्सीजन
और एसिटिलीन का देखिए अनुपात आप उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का उपयोग जो होगा अनुपात आप यहाँ पर यूज़ करते हैं, देखिए 1:1 यहाँ पर आपका अनुपात होता है। और इसमें ऑक्सीजन और कार्बोराइजिंग में क्या होता है, देखिए यहाँ पर आप यूज़ करते हैं 2:1, यानी 2 क्या होता है इसमें, 2 आपका होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन यहाँ पर 2 होगी और ऑक्सीजन यहाँ पर 1:1 में होती है, 2:1। इसी प्रकार ऑक्सीडाइजिंग जो है, ऑक्सीडाइजिंग में भी आपकी क्या होती है, आप ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन 2 लेते हैं और आप एसिटिलीन कितनी लेंगे, 1 लेंगे, 2:1। तो ये अनुपात आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का क्या अनुपात होता है, 1:1, कार्बोराइजिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन का 2:1 और ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का 2:1, यानी ऑक्सीजन ज़्यादा, ऑक्सीडाइजिंग यानी ऑक्सीजन आपको 2 लेने हैं, एसिटिलीन है तो कार्बोराइजिंग में आपको 2 लेनी है, इस तरीके से न्यूट्रल में दोनों बराबर लेने हैं। अब मेन आता है देखिए कि सबसे ज़्यादा जो हीट है वो कौन सी फ्लेम देती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है आपकी, अप्रॉक्स 34 डिग्री सेंटीग्रेड, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑक्सीडाइजिंग, अब आपसे एग्जाम में इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जो है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का उपयोग किसको वेल्डिंग करने में करते हैं, तो देखिए एलॉय, जितने भी एलॉय हैं उनको आप किससे वेल्ड करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से। अगर आपका स्टील है, अगर आपकी देखिए स्टील है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, कास्ट आयरन है, उसको आप न्यूट्रल फ्लेम से, कास्ट आयरन है, स्टील है, तो ये आप किससे आप वेल्ड करेंगे, इसको आप वेल्ड करेंगे देखिए न्यूट्रल फ्लेम से वेल्ड करेंगे। और जो कार्बोराइजिंग देखिए जो फ्लेम होती है ज़्यादातर हार्डनिंग के काम आती है, देखिए हार्डनिंग अगर आपको करनी है तो आप इसका उपयोग करते हैं, देखिए सरफेस हार्डनिंग करनी है तो आप कार्बोराइजिंग फ्लेम का उपयोग करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया इनका अनुपात भी और इनको आप किस किस मेटल को वेल्ड कर सकते हैं। अब देखिए इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी, कई बार आपसे पोलैरिटी पर प्रश्न पूछा जाते हैं कि पोलैरिटी कितनी प्रकार की होती है, तो देखिए पोलैरिटी होती है 2 प्रकार की, एक तो स्ट्रेट पोलैरिटी और एक होती है आपकी रिवर्स पोलैरिटी। ये जो आपका फिगर है ये आपका स्ट्रेट पोलैरिटी का है, स्ट्रेट पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी का अर्थ होता है ध्रुव, तो यहाँ पर ये आपकी हो गई स्ट्रेट हो गई और ये आपकी हो गई रिवर्स, ये आपकी हो गई रिवर्स पोलैरिटी। देखिए स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोड देखिए आप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और आपका वर्कपीस जो होता है वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है बस, और इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ होंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव टू आपके नेगेटिव होते हैं, ये आपको यहाँ पर पता है। तो आपके वर्क यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं स्टेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड से वर्क पीस तक होंगे, इलेक्ट्रोड से वर्क पीस में क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। और रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन से आपका जुड़ा है वर्क और पॉजिटिव साइन से आपका जुड़ा हुआ है क्या, इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वो वर्क पीस से इलेक्ट्रोड की तरफ होते हैं, वर्क पीस से इलेक्ट्रोड की तरफ होते हैं, देखिए ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये पोलैरिटी हो गई स्ट्रेट, सिर्फ आपसे ये पूछेंगे स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होगा, तो आपको बताना है कि जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो आपका नेगेटिव कनेक्ट होता है स्ट्रेट में और जो आपका वर्क पीस होता है ये आपका क्या होता है पॉजिटिव होता है, बल्कि यहाँ पर उल्टा होगा, आपका जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड होगा वो आपका पॉजिटिव होगा और ये आपका नेगेटिव होगा। और इलेक्ट्रॉन फ्लो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होंगे, इलेक्ट्रोड से वर्क पीस की तरफ, इलेक्ट्रोड से वर्क पीस की तरफ आपके क्या होते हैं इलेक्ट्रोड फ्लो होते हैं, देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव ही आपका करंट फ्लो होता है इस तरीके से। तो आपका पॉजिटिव वर्क यहाँ पर आप देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी। अब देखिए यहाँ पर दो आती हैं, यहाँ पर दो प्लास्टिक वेल्डिंग के बारे में हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं, अभी तक हमने फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में डिस्कस कर लिया। तो देखिए स्पॉट वेल्डिंग में आपकी क्या होगी, मैं आपको बताऊँ स्पॉट वेल्डिंग जो आपकी है इसमें देखिए आपका क्या होता है, इसमें देखिए आपके दो जो पीसीज हैं, आपके दो पीसीज हैं इनको देखिए दो यहाँ पर कॉपर के इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, आप यहाँ पर क्या करते हैं इलेक्ट्रिक यहाँ पर रेजिस्टेंस, इसको आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग बोलते हैं, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के कारण देखिए यहाँ पर करंट फ्लो होता है और यहाँ पर आपके प्लास्टिक जो जोन है वो क्रिएट हो जाता है, और प्लास्टिक जोन क्रिएट हो जाता है फिर आप यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और दोनों जो प्लेट हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, तो इसे ही आप स्पॉट वेल्डिंग कहते हैं। और सीम वेल्डिंग में आप क्या होते हैं, आपके दो रोलर लगे होते हैं और ये आपके
करंट, यहाँ पर आप इसको वोल्टेज देते हैं, करंट देते हैं, और यहाँ पर प्रेशर आप अप्लाई करते हैं दोनों जगह से। प्रेशर वेल्डिंग है, प्लास्टिक वेल्डिंग प्रेशर वेल्डिंग है। यहाँ पर देखिए, आप इस रोलर को पूरे इसके अलोंग जो है वो क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे, रोटेट यहाँ पर कराएंगे दोनों रोलर्स को, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से कंटिन्यूस आपकी कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगी। यानी स्पॉट वेल्डिंग तो आपकी सिर्फ एक पॉइंट पर होती है, पर सीम वेल्डिंग आपके कंटिन्यूस इस पूरे सरफेस पर हो जाएगी, तो इसे आप सीम वेल्डिंग बोलते हैं। तो देखिए दोनों प्लास्टिक वेल्डिंग है, प्रेशर का आप यहाँ पर उपयोग करते हैं। अब देखिए दो यहाँ पर वेल्डिंग होती है, टिग और मिग। टिग का मतलब है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, और मिग का मतलब है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। दोनों में अंतर यही है, केवल यही अंतर है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर आपका एक शील्डिंग एटमॉस्फेयर यहाँ पर बनता है, गैस यहाँ पर आप किसी फ्लक्स का उपयोग नहीं करते, बल्कि यहाँ पर आप एक गैसेस का उपयोग करते हैं। आप यहाँ पर इनर्ट गैस का यहाँ पर एटमॉस्फेयर बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है दोनों में, जिसके कारण क्या होगा, एक गैस शील्ड यहाँ पर बन जाएगी, जिससे इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर अटैक ना कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको दो याद रखना कि फ्लक्स का उपयोग नहीं होता, बल्कि आप किसका उपयोग करते हैं, इनर्ट गैस का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, आपका एटमॉस्फेयर से आपका मेटल जो है वो इम्प्योर नहीं होगा। और टंगस्टन में मैंने आपको बताया था टंगस्टन का इलेक्ट्रोड यूज़ होगा, मेटलिक इनर्ट गैस में मेटल का इलेक्ट्रोड यूज़ होगा, बस यही कॉमन डिफरेंस है दोनों में। तो चलिए आगे यहाँ पर देखिए, कुछ यहाँ पर वेल्डिंग डिफेक्ट हैं, क्योंकि देखिए अब वेल्डिंग की आपने, तो वेल्डिंग में कुछ डिफेक्ट भी आते हैं। ये देखिए, ये जो पहला वेल्ड है ये आपका आइडियल वेल्ड है, ये आपका आइडियल वेल्ड है, यानी इस तरीके से आपकी वेल्डिंग होनी चाहिए। दूसरा आप देखिए कि कुछ क्रैक्स कई बार क्या होते हैं, देखिए कई बार आपका करंट ज़्यादा फ्लो हो जाता है, कई बार करंट कम फ्लो होता है इम्प्योरिटीज़ के कारण, देखिए ये सारे वेल्डिंग डिफेक्ट आ जाते हैं। तो आपको इन वेल्डिंग डिफेक्ट के मेनली आपको नाम याद रखने, जैसे क्रैक हो गया, पोरोसिटी हो गई, पोरोसिटी यानी छोटे छोटे होल्स आपकी वेल्डिंग में आपको दिखाई देते हैं, उसे आप पोरोसिटी कहते हैं। अंडरकट यानी ढंग से वेल्डिंग ना हो पाना, इस तरीके कट आपको ऊपर सरफेस पर जहाँ पर आपने वेल्डिंग की है वहाँ पर दिखाई देगा। स्लैग फॉर्मेशन, स्लैग यहाँ पर बन जाते हैं। स्लैग कब बनते हैं, जब आप बेयर इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, तो वो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर रह जाती हैं। स्पैटर, ये कॉमन है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है स्पैटर, क्योंकि आपने वेल्डिंग की होगी तो आप देखते हैं छोटे छोटे जो यहाँ पर देखिए मेटल के पार्टिकल्स होते हैं, वो वेल्डिंग के बाद पूरे सरफेस पर फैल जाते हैं। तो इसको हटाने के लिए आप चिपिंग हैमर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, चिपिंग हैमर का यूज़ करते हैं। तो इस पैटर्न आपसे पूछा जाता है अधिकतर। इनकम्प्लीट फ्यूज़न यानी अच्छे से हीट ना हो पाना। इनकम्प्लीट पिनिट्रेशन, सही से देखिए वेल्ड ना होने के कारण नीचे तक बेस मेटल का ढंग से कनेक्ट ना हो पाना। ओवरलैपिंग, ज़्यादा मेटल बाहर आ जाना। तो ये सारे क्या हैं, वेल्डिंग के डिफेक्ट हैं। इसमें आपको देखिए इन वेल्डिंग के नाम याद रखने हैं, क्रैक, पोरोसिटी, अंडरकट, स्लैग इंक्लूजन, स्पैटर आपसे ज़्यादातर पूछते हैं, इनकम्प्लीट फ्यूज़न, इनकम्प्लीट पिनेट्रेशन या ओवरलैप। तो ये वेल्डिंग के डिफेक्ट हो गए। इसके बाद देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पर बात करते हैं। तो देखिए एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखिए वेल्डिंग के सबसे मेन एडवांटेज ये है कि इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, गुड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, टाइम बहुत कम लगता है वेल्डिंग करने में, डिफरेंट जॉइंट आप बना सकते हैं, जॉइंट आप डिफरेंट टाइप के जॉइंट बना सकते हैं। फिर ये लाइटर होते हैं, पोर्टेबल यानी आप, आपको पता है जो वेल्डिंग मशीन होती है उसको आप कहीं भी इजीली पोर्टेबल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। तो ये इसके क्या होते हैं, एडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज देखिए, यहाँ पर आपको स्किल लेबर की उपयोग चाहिए, क्योंकि इसको कोई भी इंसान आसानी से नहीं कर सकता, इसके लिए आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए, यानी लेबर जो है ना स्किल होना चाहिए। तो ये डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका लेबर स्किल आपको चाहिए तो आपको उसको पे अधिक करना पड़ेगा। रेजिडुअल स्ट्रेस, अभी आपने देखिए इतने सारे डिफेक्ट जो हैं वो प्रोड्यूस हो जा रहे हैं वेल्डिंग के दौरान, तो ये स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं, जो कि एक डिसएडवांटेज है। हार्मफुल रेडिएशन, आप देखिए जब वेल्डिंग करते हैं किस प्रकार से हार्मफुल गैसेस, फ्यूम्स वहाँ से निकलती हैं, स्मोक वहाँ से धुआं निकलता है, जो हमारे आईज़ के लिए देखिए आप तभी जो है शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो हार्मफुल रेडिएशन यहाँ पर निकलती हैं, वेव्स यहाँ पर निकलती हैं, गैसेस यहाँ पर निकलती हैं, और यहाँ पर इनका इंस्पेक्शन करना डिफ़िकल्ट होता है, इनका इंस्पेक्शन करना डिफ़िकल्ट होता है कि आपकी वेल्डिंग सही से हुई या नहीं हुई। आप बाहर से देखकर नहीं बता सकते कि अंदर तक आपका मेटल गया है कि नहीं गया है, तो इससे क्या होता है आपके इंस्पेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए यही यहाँ पर जो था आज वेल्डिंग के, हमने सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मोस्ट ऑफ द 99% मैं आपको क्वेश्चन कहूँगा, हमने यहाँ पर जो है जितने भी क्वेश्चन, जितना भी कॉन्सेप्ट आपसे वर्कशॉप में पूछा जाएगा वाइवा क्वेश्चंस,
वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। आप जो है फिटिंग की, कारपेंटरी की और इलेक्ट्रिक शॉप की, स्मिति शॉप की, जो प्लेलिस्ट में हमारी जाकर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वीडियोस के लिंक दिए हैं, वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।